हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो तरीके से साड़ी ड्रेपिंग, और काफ़ी पसंद आएगी आपको, और किस तरीके से आप स्टाइलिश साड़ी में पासे को यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पर जो साड़ी मैं यूज़ कर रही हूँ ये है ओपेडा सिल्क साड़ी। अगर आप लेना चाहते हैं इसे व्हाट्सअप लिंक के द्वारा और व्हाट्सअप नंबर के द्वारा आसानी से ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी और कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। ये मैंने साड़ी इंदू हैंडलूम मैन्युफैक्चर से ली है, जो कि मुझे बहुत ही कम बजट में मिली। और आप भी लेना चाहते हैं तो आपको 3 दिन के अंदर इसकी डिलीवरी मिल जाती है, और काफ़ी अच्छे तरीके से, बिल्कुल पैकिंग के साथ और काफ़ी सुरक्षा के साथ मिलती है। आप नेशनल है, इंटरनेशनल है, आसानी से सभी जगह की डिलीवरी हो जाती है। मैं सभी कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इनका व्हाट्सअप नंबर, लिंक, कलर कॉम्बिनेशन, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे जब आपको रहेगी तो आप अलग अलग डिज़ाइन सिलेक्ट भी कर पाएंगे। ओपेडा सिल्क साड़ी है, काफ़ी पसंद की जा रही है, आपको भी बहुत पसंद आएगी मेरी वीडियो में। और मैंने इसे दो तरीके से बांधना बताया, और साड़ी ड्रेपिंग जो मैं कर रही हूँ इसी साड़ी में इतना प्यारा लुक आया हुआ है। जो इसका बॉर्डर है गोल्डन कलर का, उसको मैंने स्टाइलिश लुक दिया है इस साड़ी के जरिए। इस साड़ी को लेके पा सकते हैं बहुत ही अच्छा नया लुक साड़ी ड्रेपिंग में। और पासे को टक करना बताऊंगी, किस तरीके से अपनी साड़ी के साथ कर सकते हैं पासे को टक। और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूले, आपको सभी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। लाइक जरूर करिएगा मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले कोई भी साड़ी पहनने से पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि पैरों में स्लिपर डाल लेंगे, ताकि आपकी साड़ी ऊंची नीची ना हो। और साड़ी देख सकते हैं मैंने राइट हैंड साइड से शुरू की है, और बैक में घुमाते हुए राइट हैंड साइड की तरफ ही लेकर आऊँगी। इस तरीके से टक करते जाएंगे, और साड़ी की लेंथ आप देख रहे हो कितनी अच्छी है, और साड़ी का कलर और इसका बॉर्डर सभी, और 3 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है। बहुत ही फास्ट डिलीवरी है इनकी। और इस तरीके से सिंपल साड़ी में जिस तरीके से पल्लू निकालते हैं, आप वही पल्लू पकड़ेंगे और इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स भी आप देखेंगे कितनी सॉफ्टली एकदम बन जाएगी। जैसे कई बार कोई कपड़ा अकड़ा अकड़ा सा होता है, तो उसकी प्लेट डालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और जितना बॉर्डर है मैं उतनी ही प्लेट्स बना रही हूँ, और इस तरीके से पहले ही पिन कर लेंगे। ये कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो हमारी साड़ी को बहुत जल्दी पहनने देती हैं, और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। कई बार आप प्लेट्स कंधे पे लगाते हो तो उसमें प्रॉब्लम आती है, तो पहले एक पिन कर लें और राइट हैंड साइड की तरफ से घुमाकर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे, और साड़ी को इतना रखेंगे, घुटने तक रखें या घुटने से थोड़ा सा नीचे, ये आप पर डिपेंड करता है, बट घुटने से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अब आसानी से आप देख रहे हो कितनी आसानी से बैक में पिन लग जाएगी। अगर आपने पहले पिन टक नहीं की होती तो उसमें आपकी प्लेट्स बार बार गिर जाती। तो इस साड़ी में ये ध्यान रखेंगे, सिल्क साड़ी में बहुत ईजी हो जाता है। और आगे भी आकर फ्रंट में एक पिन लगाएंगे, क्योंकि मैं पल्लू इसमें थोड़ा सा स्टाइलिश पहना रही हूँ, और आप अभी चाहते हैं फर्स्ट टाइम साड़ी पहन रहे हैं तो कुछ डिफरेंट तरीके से बहुत ही प्यारे लुक में साड़ी होगी, आप इजीली पहन सकते हैं फ्रेंड्स की वेडिंग में, या किसी की भी वेडिंग में भी, या किसी फंक्शन पार्टी में इस तरीके से। और देखेंगे मैंने उधर साइड भी पिन लगा ली थी, 2 सेफ्टी पिन, और पीछे से पल्लू को थोड़ा सा गिराते हुए लेकर आएंगे, गिराते हुए लेके आएंगे और फिर टक कर देंगे पहले जितना आपको पीछे से गिराना है। इस तरीके से पिन लगा दिए मैंने, देख सकते हो वहाँ से लुक। और अब मैं प्लेट्स डालूंगी। प्लेट्स आप छोटी या बड़ी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन प्लेट्स डालते टाइम आप ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ से हल्का सा छोड़ देंगे, ज़्यादा टाइट भी ना रहे और आपकी प्लेट्स भी अच्छी आ जाए। इस तरीके से मैंने प्लेट्स डाल ली हैं। लेंथ भी देख सकते हो साड़ी की काफ़ी अच्छी है, कलर भी आप देख ही रहे होंगे, नेवी ब्लू के साथ गोल्डन है और पिंक ब्लाउज़ है। तो आप चाहते तो अपने इस साड़ी को गोल्डन ब्लाउज़ के साथ पहन सकते थे, बट इसका पिंक है तो मैंने अब मेरे साइज़ का सिलवाया हुआ है, इसीलिए उनको थोड़ा सा लूज़ है। आप चाहते तो और अच्छे तरीके से ब्लाउज़ को किसी भी डिज़ाइन में करवा सकते थे। और इस तरीके से यहाँ पर पिन लगा देंगे। साड़ी की प्लेट डालते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि पीछे से जो प्लेट होते हैं उनको 1 इंच ऊपर खींच लें, ताकि साड़ी के नीचे से कई बार आपकी प्लेट्स बाहर की तरफ निकल जाती हैं तो वो ना निकलें और साड़ी में अच्छा लुक आए। इस तरीके से अब आप देख रहे हो यहाँ पर भी मैं ब्लाउज़ के साथ एक पिन टक कर दूँगी, ताकि यहाँ से आपकी साड़ी ब्लाउज़ के साथ सेट रहे। और यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे जब हम साड़ी को ये लुक दे रहे हैं, यहाँ में आपने 2 तरीके से देखा होगा, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगी, जो भी आपको अच्छा लगता है आप बांध सकते हैं उस तरीके से। यहाँ पर ये हमारा इस शेप में आएगा, अंदर ले जाके पिन टक किए, यहाँ से ये शेप मिलेगी आपको साड़ी की। और देख रहे हो बॉर्डर का लुक, और जो इसमें मजंटा और थोड़ी सी ग्रीन शाइन आ रही है ब्लू के साथ, तो बहुत ही सुंदर साड़ी है और बहुत अच्छा है इसका क्लॉथ भी, और ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं।
काफ़ी सुंदर लगेगी। आप किसी भी पार्टी फंक्शन में पहन सकते हैं इसे और सर पे पल्लू भी रख सकते हैं इस साड़ी में। तो ये देख सकते हो ये लुक आएगा हमारा। और आप चाहते हैं इसको मैं थोड़ा सा स्टाइलिश और बना लूँ तो मैं इसमें आपको बता दूँगी कि आप क्या कर सकते हैं। आपके पास जो साइड में पासा होता है जिसे हम झूमर भी बोलते हैं आजकल वलीमा लुक में या लगाती है मॉमडन्स ब्राइड में, इसको भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास कमरबंद नहीं है तो। यहाँ पर मैंने वही पासा लगाया है, पिन के साथ भी टक कर सकते हो या उसके हुक के साथ भी, या आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इस तरीके से लगा सकते हो तो और भी ज़्यादा आपकी साड़ी में गेटअप आ जाएगा, काफ़ी अच्छा लुक भी आएगा। तो ये दो स्टाइल मैंने आपको बताया। आप देख सकते हो साड़ी को वहाँ से खोल देंगे और दोबारा से आप चाहते हो यहाँ से आपकी साड़ी थोड़ी सी वी शेप में आए और राउंड मिल जाए आपको, जैसे हमारा पीछे स्ट्रेट जा रहा था, तो ये और भी डिफरेंट लुक है और बहुत ही स्टाइलिश लुक देगी आपकी साड़ी को। इसमें अगर आप कट स्लीव ब्लाउज़ पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, और या कॉलर वाला ब्लाउज़ पहनते हैं तो भी बहुत सुंदर लुक मिलेगा फुल स्लीव पर भी। और ये आएगा इसमें हमारा सेकंड लुक भी आप देख सकते हो कितना सुंदर लगेगा। तो दोनों में क्या डिफरेंट है हाथ के पास से देखेंगे, ये डिफरेंस आएगा कि उसमें हमारा पूरा राउंड चल रहा था और इसमें हमारा वी शेप है। तो इसमें भी इस तरीके से कमरबंद आप लगा सकते हो जैसे मैंने लगाया है। आप चाहे तो तगड़ी के साथ पहने, आप चाहें तो इसके साथ पहने। ये देख रहे हो यहाँ से वी शेप किस तरीके से आई है, तो दोनों में आपको डिफरेंस दिखा होगा। और साड़ी आपको ऑप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलें, वहाँ पर सभी लिंक और नंबर मैं आपको दे दूँगी। तो आप देख सकते हैं साड़ी का लुक, और इनका मेकअप लुक देखना चाहते हैं तो नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पर देखें, मैं अपलोड करूंगी इसी वीक। और देख सकते हैं बैक से फ्रंट तक साड़ी का लुक। तो आपने देखा ये साड़ी लुक इस तरीके से पहन सकते हो और आपको अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट, बाय बाय।